हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे जमजम बिरयानी। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तब तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब यार। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक भी करना। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैंने लिया है बासमती राइस, चिकन लिया है मैंने यहाँ पे, यहाँ पर मैंने कीमा लिया है। कीमे में हम क्या करेंगे, कबाब भी बनाएंगे और सीख भी बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है बॉइल्ड एग, करीब 6 लिया है मैंने। यहाँ पर मैंने लिया है गोश्त। गोश्त को मैंने पहले से ऑलरेडी अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और हल्दी लगाकर गला दी थी। यहाँ पर मैंने कलरफुल मीन्स कलर को पानी में घुला के पोटैटो डाला है, भिगायू। यहाँ पर मैंने लिया है ऑरेंज कलर, येलो कलर एंड ग्रीन कलर। यहाँ पर मैंने लिया है एक कटोरी बेसन का आटा, 3 से 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर का आटा लिया है मैंने यहाँ पे, क्रश की हुई ग्रीन चिल्ली लेंगे हम, दही लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे 2 नींबू, कोथमीर और पुदीना, टोमेटो, ऑनियन लेंगे हम, और यहाँ पे हम सूखे मसाले लेंगे, ड्राई पाउडर। गरम मसाले में मैंने लिया जीरा, बड़ी इलायची, शाहजीरा, दालचीनी, छोटी इलायची, काली मिरी, काजू लिए, कसूरी मेथी, 2 फूल। तो देखिए इतने सारे मसाले हमें लगेंगे, अक्के खड़े मसाले। तो देखिए इन सारे चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी जमजम बिरयानी बनाने के लिए। तो चलिए सब में पहले हम बनाएंगे चिकन टिक्का। तो चिकन टिक्का के लिए मैंने यहाँ पे चिकन ले लिया है, और यहाँ पे हमें डालना है 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून कर्ड डालेंगे हम, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर का आटा, 1 टेबल स्पून बेसन का आटा लेना है हमें, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इन सारे ड्राई मसाले को हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि चिकन में अच्छी तरीके से वो लग जाए। और एक नींबू डाल लेंगे हम, नींबू का जूस। तो देखिए यहाँ पर हमारा चिकन टिक्का का जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। अभी हम सीख कबाब का तैयारी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कीमा ले लिया है, कीमे में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली क्रश की हुई, और 1 टेबल स्पून के करीब कोथमीर डालेंगे हम, और एक कांदा लेंगे जो चॉप किया हुआ बारीक, 1/2 लेमन जूस डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, और 1/2 कप ऑफ बेसन का आटा डालेंगे। अब इन सारे मसाले को हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। देखिए मेरा मिक्स हो चुका है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ कबाब। कबाब हमें छोटे छोटे साइज़ के ही बनाने हैं। जमजम बिरयानी में कबाब छोटे छोटे साइज़ के ही होते हैं। और दूसरी तरफ मैं उसी डो का मीन्स उसी जो मैंने सीख कबाब बनाया था उसी का मैं बना रही हूँ।
जो मैंने कबाब बनाई थी उसी आटे का मैं बना रही हूँ, मीन्स सीख कबाब। तो देखिए यहाँ पे मैंने पेंसिल ली है और पेंसिल को मैंने पेंसिल के ऊपर मैंने वो लगाया है मसाला। तो देखिए यहाँ पर हमारे सीख कबाब रेडी हो चुके हैं, मीन्स शेप में, और वहाँ पर हमारे शेप में कबाब रेडी हो चुके हैं। देखिए ऐसे ही मैं मेरे सारे सीख कबाब बना लूँगी। देखिए तैयार हो चुके हैं मेरे सारे सीख कबाब और यहाँ पर मेरे कबाब तैयार हो चुके हैं। ओके, तो अब हम तेल रखेंगे, गैस पे तेल रख देंगे कढ़ाई में, और हम समय पहले तल लेंगे जो हमने टिक्का चिकन टिक्का को जो हमने मैरिनेट कर कर रखा था, हाफ एन आवर हो गया था, तब हम समय पहले उसको फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमारा मीडियम ही होना चाहिए ताकि वो जले ना, और अगर गैस का फ्लेम हमारा हाई होगा तो फिर ऊपर से वो पक जाएगा बट अंदर से वो कच्चा ही होगा, ऊपर से एटलीस्ट वो जल भी जाएगा। ओके, तो देखिए इसी तरीके से मैं सारे मेरे चिकन टिक्का फ्राई कर लूँगी। दिखने में कितने यम्मी लग रहे गाइस, और खाने में तो बहुत ही क्रिस्पी लग रहे थे ये चिकन टिक्का। तो देखिए यहाँ पर मेरे चिकन टिक्का हो चुके हैं, अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कबाब। कबाब को भी हम वैसे ही फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पे। देखिए कुछ ऐसे गोल्डन ब्राउन हमारे कबाब होने चाहिए। देखिए इसी तरीके से मैं सारे कबाब तल लूँगी। गैस का फ्लेम हमारा लो ही होना चाहिए, मीन्स मीडियम, तभी हम सारे हमारे सीख कबाब कबाब चिकन टिक्का सारे हमारे एकदम अच्छे से फ्राई होंगे। यहाँ पर मैंने डाल रही हूँ सीख कबाब, और सीख कबाब को भी मैं तल लूँगी, फ्राई कर लूँगी। देखिए इसी तरीके से मैं सारे सीख कबाब डाल दूँगी और उसको फ्राई कर लूँगी। देखिए, तो देखिए ऐसे ही हमारे गोल्डन ब्राउन सीख कबाब होने चाहिए, तो ऐसे ही मैं सारे फ्राई कर लूँगी। ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी था गाइस। तो यहाँ पर मैंने लिया है सीख कबाब, मेरे रेडी हो चुके थे मीन्स, तो यहाँ पर मैंने उसी तेल में एग को हम बॉयल्ड एग को हम फ्राई कर रहे हैं। तो देखिए मेरे बॉयल्ड एग भी फ्राई हो चुके हैं। अब भी हम लेंगे जो मैंने कलर वाला हमारा पोटैटो था, तो सबसे पहले हम लेंगे येलो वाला, और येलो वाला हम फ्राई करेंगे तेल में। देखिए देखिए मेरे येलो वाले पोटैटो फ्राई हो चुके हैं। ऐसे ही हम ऑरेंज वाले भी फ्राई कर लेंगे। देखिए ऐसे ही हम ग्रीन वाले भी फ्राई कर लेंगे। पोटैटो फ्राई करने से क्या होता है, वो ज़्यादा ही क्रिस्पी हो जाते हैं और बहुत ही खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे चिकन टिक्का सीख कबाब कबाब एग और पोटैटो सारे ही मैंने फ्राई कर लिए है। देखिए अब यहाँ पर मैंने एक टोप लिया है, और टोप के अंदर हमें डालना है ऑयल, और उसके अंदर हमें डालना है 7 से 8 काजू, और काजू को हमें फ्राई कर लेना है। देखिए लाइट गोल्ड लाइट ब्राउन करना है हमें, कुछ लाइट गोल्डन ब्राउन। देखिए उसे हमें साइड में निकाल लेना है एक प्लेट में। अब हम डालेंगे सारे अच्छे खड़े गरम मसाले डालेंगे हम इसे, और वो थोड़ा सा पक जाए तब हमें डालना है ऑनियन, और ऑनियन को हमें अच्छे तरीके से डार्क करना है। ऑनियन हमारा जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हमें डालना है टोमेटो, ग्रीन चिल्ली, पुदीना और कोथमीर डालना है, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर,
और देखिए इन सारे मसालों को हमें अच्छे तरीके से कुक करना है। यहाँ पर हम डाल रहे हैं दही। दही मैंने करीबन 1 कप की करीबन डाली है मैंने दही। दही डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए आपको दही ज़्यादा ही डालना चाहिए। अभी हम यहाँ पे डाल देंगे चिकन, और चिकन के साथ साथ ही हम डालेंगे जो मैंने गला कर रखा था गोश्त, उस गोश्त को भी हम डाल देंगे। इसे हमें अच्छी तरीके से भूनना है। देखिए यहाँ पर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। देखिए अभी इसे हमें फास्ट फ्लेम पे अच्छी तरीके से हमें इसे भूनना है। देखिए कुछ ऐसे हमारे मसाले हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे राइस। ये बासमती राइस है। बासमती राइस से बिरयानी अच्छी बनती है। अगर आप चाहे तो आप दूसरा भी चावल डाल सकते हो। यहाँ पर हमने डाला है पानी, और देखिए हमने कुछ 30 से 35 मिनट्स कुक करा है। एंड उसके बाद में हमें डालना है, जब 80% हमारे चावल कुक हो जाए तब हमने हमारे जितने भी फ्राई किए थे चिकन टिक्का, एग और सीख कबाब, कबाब, पोटैटो, वो सब हमें ऊपर से डालना है। 20 जब हमारा 80% कुक हो जाए चावल तब हमें डालना है, और हमें 20% तक कुक करना है। 15 to 20 मिनट हमें कुक करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने चिकन टिक्का डाला है, सीख कबाब डालूँगी मैं एक एक करके, कबाब डालूँगी एक एक करके। ओके यहाँ पे मैं ना ग्रीन कलर का पोटैटो डाल रही हूँ एक एक करके। फिर येलो वाला डालूँगी ऐसे में एक एक करके। देखिए ये मैंने येलो वाला भी डाल दिया। अभी मैं डालूँगी ऑरेंज वाला पोटैटो। येलो, ग्रीन एंड ऑरेंज मैंने लिया था। देखिए फिर मैं डालूँगी एग। देखिए मैं सारे एग को रख दूँगी अच्छे से अंदर से ढल के। यहाँ पर हम डाल रहे हैं बिरिस्ता। कांदे को हमें फ्राई कर लेना है तो हमारा बिरिस्ता बन जाएगा, तो हमें बिरिस्ता भी डालेंगे हम। बिरिस्ता के बाद जो हमने काजू को फ्राई किया था वो हम डालेंगे काजू। जमजम बिरयानी, जब इसका नाम ही जमजम बिरयानी है तो ऑब्वियसली इतना सारा सामान तो जाएगा ही जाएगा, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कोथमीर और पुदीना गार्निशिंग के लिए मिक्स। और यहाँ पर डालूँगी मैं 1 टेबल स्पून घी। घी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, घी डालने से भी एक अच्छा टेस्ट आता है। ये घी ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, नहीं डालना है तो नहीं डाल सकते हो। ओके 15 मिनट तक हमें इसे कुक करना है। देखिए 15 मिनट के बाद हमारा तैयार हो चुका है जमजम बिरयानी, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही लाजवाब। कमेंट में ज़रूर बताना या आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे ऐसी नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब यार। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।